प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। रमेश शर्मा जयपुर से जी। गुरुदेव, एक दो अनुभव के बारे में पूछना था। हाँ। एक चिता दिखाई देती है जलती हुई, उसमें चिता के नीचे लकड़ियाँ लेकिन ऊपर शव जलता हुआ दिखाई देता है, शव के ऊपर लकड़ियाँ नहीं होती। हाँ। और शमशान में कोई नहीं होता, सिर्फ मैं अकेला देख रहा होता हूँ। क्या जो वो शव है उस पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई है शव के ऊपर, या बिल्कुल एकदम से यही शरीर ऐसे ही दिखता है, या बिना कपड़े के दिखता है? दोनों इन सब का अर्थ थोड़ा बदल जाएगा। यानी जो शव देख रहे हैं लकड़ियों के ऊपर जी, वो क्या चादर से ओढ़े हुए, यानी अर्थी बनी हुई रखी दिखाई देती? अर्थी होती है ना, चादर से ढक देते हैं और कसते हैं, या जैसे मनुष्य चादर को, सफ़ेद चादर को ओढ़ लेता है ऐसा दिखता है, या जैसे हम आप ऐसे लेट जाएं दिखते, या कपड़े ही नहीं होते? नहीं, उसके कपड़े भी नज़र नहीं आते गुरुदेव, उसकी लौ उठती हुई दिखती है उस शरीर से। अच्छा, लौ उठती हुई दिख रही है और ऐसा लगता है कि शव जल रहा है। हाँ, तो इस तरह बताएं कि शव जल। जी जी, ये एक बहुत अच्छा अनुभव है, इससे आपको लाभ होगा, ठीक है, इससे आपको फायदा होगा, इसका जलना ज़रूरी है। जी जी। अच्छा, एक गुरुदेव, एक अभी कुछ टाइम पहले एक था कि एक सांप नज़र आया, उसके 7-8 फन थे और वो बिल्कुल यूँ देख रहा है, लेकिन उसकी गर्दन पे एक रोशनी निकल रही है। अभी समझा नहीं, 7-8 सांप? नहीं, एक फन 7-8 हैं, सांप एक ही है। अच्छा, सांप एक ही है, उसके 7-8 फन निकल रहे हैं। अच्छा, फन 7-8 है? 7-8 हैं जी। और उसके गले से एक रोशनी निकल रही, जैसे सूरज में निकलती ना गुरु जी, एक रेड और येलो कलर की, उस टाइप की एक रोशनी निकलती हुई दिख रही है। फिर तो हमें सोचना पड़ेगा, इतने फन क्यों, उसका कोई ना कोई कारण होगा ना। 5 कहते, 3 कहते तो अभी मैं हाजिर उत्तर दे देता। नहीं, 7-8 फन, लेकिन आप 7-8 दो शब्दों का प्रयोग किया, भाई मैं अभी नहीं समझ पाता, होगा कोई। जी जी जी। हाँ, उसका कोई मतलब हो। जी गुरुदेव, अगर कभी ऐसा समझ में आया तो हम आपको उत्तर देना चाहेंगे बाद में। जी, कितनी देर साधना करने का समय मिलता है? अभी तो फिलहाल 2 से 2.5 घंटे ही करता था गुरुदेव। 2 से 2.5 घंटा, अब तो समय ही समय है मेरे पास, समय ही समय। जी, तो अब कितने घंटे समय देंगे, यानी साधना कर? अब तो 4 से 6 घंटे का आराम से दे पाऊंगा मैं। 4 से 6? जी गुरुदेव, अभी कह रहे थे समय ही समय, तो 4 से 6 घंटे ही निकले 24 घंटे में। और बाद में क्या करेंगे, बाद में क्या इतना करेंगे? तो मैं आराम से दे लूँगा, कम से कम बता रहा हूँ 4 से 6 घंटे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप अब रिटायर अभी हुए। जी गुरुदेव, और जितना समय मिले जी लगाए रखिए, समय का मतलब उसमें दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करने का समय अब आया है, समय का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आगे को बढ़ती है ना, आप कोशिश भी करेंगे कि मैं ज़्यादा समय दूँ, तो क्या ये शरीर थकने लगता है। मैंने खुद देखा कि जिस मेरी समाधि 7 से 8 घंटे तक जाती थी, अब नहीं, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, शरीर दुखने लगता है, फर्क आ जाता है, समाधि वैसे ही लगेगी लेकिन दुखने लगता है। 3-4 घंटे बाद को आँख खोल दूँ और फिर बस इतना, आँख खोली फिर बंद की, फिर लेकिन आँख तो खुल गई, तो शरीर थकता है, महसूस होता है, थोड़ा 2 मिनट आराम, 2 मिनट नहीं, 5-7 मिनट आराम करो, फिर बैठ जाओ, फिर वैसे ही हो जाता। तो जो मैंने आकलन किया कि मेरी इस अवस्था होने के बाद भी थोड़ा शरीर अवरोध मारने लगता है, क्योंकि भले ही मनुष्य स्वस्थ दिखाई दे, लेकिन उम्र के कारण जो आंतरिक जो शक्ति होती है ना, शारीरिक शक्ति, वो कम होने लगती है। तो कहने का मतलब, अभी आप स्वस्थ हैं, सही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 75-80 साल के, तो 80 साल में जब होने पे तो फिर उतनी वो क्षमता नहीं रहती है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देने का प्रयास करें। जी गुरुदेव, और हमारा आपका संपर्क तो बना ही रहता है, तो मार्गदर्शन तो आपको मिलता ही रहे। जी गुरुदेव, ठीक, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। Mm-hmm.
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.